सब कैसे हो। आज क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है बच्चों हीरोन का सूत्र, इंग्लिश में बोलेंगे हीरोन्स फार्मूला। इसके जितने सारे थ्योरी है पहले उसको थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को क्या करेंगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बच्चों हीरोन्स फार्मूला हमेशा त्रिभुज के लिए वैलिड है। त्रिभुज दे देगा, उस त्रिभुज का एरिया क्या करेगा निकालने के लिए बोलेगा, उसी में यूज होता है जो हीरोन्स का सूत्र। फिर से रिपीट कर देते बच्चों, हीरोन्स फार्मूला में एक हमेशा क्या दे देगा, एक त्रिभुज दे देगा, एक ट्रायंगल दे देगा, और ट्रायंगल का तीनों साइड उसमें क्या रहेगा गिवन रहेगा। तो मान लेते हैं कि तीनों साइड, पहले साइड को ए मान लेते हैं, दूसरे साइड को बी मान लेते हैं, और तीसरे साइड को सी मान लेते हैं। तो पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों, ए से निकालेंगे। एस का फॉर्मूला ध्यान रखना है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, और एस को बोलते हैं बच्चों अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं? अर्ध परिमाप, परिमाप, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बच्चों सेमी पेरीमीटर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? सेमी पेरीमीटर। और एबीसी क्या है बच्चों? त्रिभुज की भुजा है, और इंग्लिश में बोलेंगे साइड ऑफ ट्रायंगल है। उसके बाद इसमें ए से निकालने के बाद अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला ध्यान रखना बच्चों यही होता है हीरोन्स का फॉर्मूला, एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। जहां एस क्या होता है बच्चों? सेमी पेरीमीटर होता है, और एबीसी क्या होता है? साइड ऑफ ट्रायंगल होता है। बच्चों एक और हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़े हैं बचपन में, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल में 1/2, एक शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को, बेस इंटू हाइट। लेकिन ध्यान रखना बच्चों ये फार्मूला तभी अप्लाई कर पाएंगे जो बेस और हाइट के बीच क्या होगा, 90 डिग्री होगा। बेस और हाइट के बीच बोल सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या है फॉर्मूला वैलिड है। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तो बेस होता ही हाइट होता ही, तो ये फार्मूला तभी अप्लाई कर पाएंगे बच्चों जब बेस और हाइट के बीच 90 डिग्री होते हैं। इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे, और ऊपर वाला जो फार्मूला बच्चों हीरोन्स का फार्मूला किसी में भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड है, और किसी ये मतलब जो हीरोन्स फार्मूला जो बताया बच्चों वह किसी भी ट्रायंगल के लिए क्या है वैलिड है। तो इसी दो फार्मूला के हेल्प से क्या करेंगे बच्चों, एक्सरसाइज 10.1 को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो दोनों फार्मूला को अच्छे से याद रखें। पहला एस, एस का मतलब बताया था बच्चों अर्ध परिमाप, इंग्लिश में बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, जिसका फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, और त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसको बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसका फार्मूला होता है ब्रैकेट रूट अंडर एस ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट क्लोज, दूसरा एस माइनस बी और एस माइनस सी। ध्यान रखना बच्चों किसी भी ट्रायंगल के लिए क्या वैलिड है, और 1/2 बेस इंटू हाइट किसके लिए वैलिड है, सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड है। बेस और हाइट के बीच 90 डिग्री होगा तो इसको अप्लाई करेंगे, और ये जो फार्मूला किसी भी ट्रायंगल के लिए किसी भी त्रिभुज के लिए क्या है वैलिड है। अब इन दोनों फार्मूला के हेल्प से क्या करेंगे, एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। 10.1 का पहला जो क्वेश्चन गिवन है बच्चों उसमें लिखा हुआ एक समबाहु त्रिभुज है जिसका साइड क्या है एक ए है, एक समबाहु त्रिभुज है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका साइड क्या है ए है। तो निकालना है हीरोन्स फार्मूला का सूत्र यूज करके इसका क्या करना है, क्षेत्रफल को फाइंड करना। तो पहले पढ़ेंगे बच्चों कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, और इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं इसको समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है बच्चों, ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों साइड क्या होता है बराबर होता है, जो साइड गिवन है ए गिवन है, साइड क्या ए गिवन है। और एक क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बेसिकली बच्चों दो पार्ट पूछा हुआ। पहला पार्ट क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसका साइड क्या है ए है, उस केस में क्या करना है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और दूसरा केस में इसी का समबाहु त्रिभुज का अगर परिमाप 180 है फिर उस केस में क्या करना है उसका क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो पहले समबाहु त्रिभुज का जिसका साइड ए गिवन है उसका क्या करेंगे, पहले एरिया निकालेंगे। बच्चों एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वलेटरल ट्रायंगल, और साइड जो गिवन क्या है ए ए ए, क्योंकि इक्वलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड क्या होता है बराबर होता है। तो पहले वाले साइड को ए मानते हैं, दूसरा साइड को बी मानते हैं, और तीसरे साइड को क्या मानते हैं बच्चों सी मानते हैं। उसके बाद क्या निकालते हैं, एस निकालते हैं। एस का जो फॉर्मूला बताते हैं ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू,
और एस को क्या बोलते हैं बच्चों, सेमी पेरीमीटर, हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप। एस इक्वल में हो जाएगा ए क्या बच्चों, ए है, और इस केस में बी क्या है, बी भी क्या है, ए के बराबर, तो ए लिख देंगे, और सी क्या है, ए के बराबर, तो ए लिख देंगे अपॉन टू। एस यहाँ से निकल जाएगा, ए कितना बार, वन टू थ्री, तो ए कितना, तीन बार है, तो थ्री ए अपॉन टू। उसके बाद क्या निकालेंगे बच्चों, एरिया निकालेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इंग्लिश में बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, या ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, त्रिभुज के जगह पर कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, इसको लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज, और इंग्लिश में बोल सकते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका फॉर्मूला ध्यान रखना है, एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस सी होता है। इसी फार्मूला को बोलते हैं बच्चों हीरोन्स फार्मूला, और एस का जो रिजल्ट है वो कितना है, थ्री ए अपॉन टू है, तो लिखेंगे थ्री ए अपॉन टू ब्रैकेट थ्री ए अपॉन टू माइनस ए क्या है, ए के बराबर है, फिर एस क्या है, थ्री ए अपॉन टू, एस यहाँ से फाइंड किया बच्चों, और बी क्या है, बी ए के बराबर है, बी जो है किसके बराबर है, ए के बराबर है, क्योंकि तीनों साइड क्या है बराबर है, थ्री ए अपॉन टू, और सी भी क्या है, ए के बराबर है। उसका जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा थ्री ए अपॉन टू, अब इसको सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, पहला क्या है थ्री ए अपॉन टू और माइनस का ए, यहाँ पे कुछ नंबर नहीं तो वन मानेंगे, क्या मानेंगे, वन मानेंगे, और उसका टू और वन का एलसीएम क्या होगा, टू होगा, क्या होगा, टू होगा, थ्री ए माइनस ए, दो के टेबल में दो एक नंबर पर आएगा, और एक के टेबल में दो कितने पर आएगा, दो पे आएगा, तो थ्री ए को वन से करेंगे तो थ्री ए और माइनस का टू ए अपॉन टू आ जाएगा, थ्री ए में से टू को माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आ जाएगा, थ्री में से टू को माइनस करेंगे तो वन आएगा, वन को नहीं लिखते, ए अपॉन टू आ जाएगा, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आ रहा है ए अपॉन टू, और ई वाला पार्ट, ई वाला पार्ट, ई वाला पार्ट क्या सेम है, तो जो रिजल्ट इसका आएगा वही रिजल्ट इसका, वही रिजल्ट इसका, क्योंकि सेम पार्ट है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये भी ए बाई टू आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या होगा बच्चों, ए बाई टू, ए बाई टू इसके लिए, ए बाई टू इसके लिए, और ए बाई टू इसके लिए। उसके बाद क्या देखते हैं बच्चों, जब भी रूट में रहता है तो पेयर बनाते हैं, तो a बाई टू का यहाँ पे पेयर बन गया हुआ, और यहाँ भी a बाई टू का क्या बन गया, पेयर बन गया हुआ, तो दो बार a बाई टू को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो a बाई टू इंटू ए बाई टू, अब जिसका पेयर नहीं बना उसको रूट में रखेंगे, तो रूट में क्या बच गया बच्चों, थ्री बच गया, तो यहाँ पे लिख देंगे थ्री। उसके बाद आगे लिखेंगे, पहले नंबर को लिखेंगे रूट अंडर थ्री, और दो को दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर आएगा, और ए कितना बार है, दो बार, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आ गया रूट अंडर थ्री बाई फोर इंटू ए क्या बच्चों, साइड का स्क्वायर। इस रिजल्ट को याद भी रखना है, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए जिसका साइड क्या है, ए है, और इंग्लिश में बोलेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो नोट करके याद रखना बच्चों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है रूट अंडर थ्री अपॉन फोर इंटू ए क्या है, भुजा, तो लिख देंगे भुजा का स्क्वायर, और इसको इंग्लिश में लिखेंगे बच्चों एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा रूट अंडर थ्री अपॉन फोर, और भुजा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, साइड का स्क्वायर। इसको नोट करके इंपॉर्टेंट कर ले बच्चों, क्योंकि एमसीक्यू का जो फिल इन दी ब्लैंक्स में क्वेश्चन क्या होता है, बार बार रिपीट होता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका साइड क्या है, ए है, तो फिल करें, तो फिल क्या करेंगे बच्चों, रूट अंडर थ्री इंटू जो भी यहाँ पर साइड गिवन रहेगा उसको साइड का स्क्वायर कर देंगे। अब इसका पार्ट, इसमें बच्चों दो पार्ट पूछा हुआ था, पहला पार्ट सॉल्व कर दिया, दूसरा पार्ट को क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। दूसरे पार्ट में बोला हुआ बच्चों, यदि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या है, 180 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या करना, फाइंड करना है। बच्चों समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप गिवन है कितना है, 180, समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर बच्चों, 180 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं इंग्लिश में बच्चों पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, पेरीमीटर जो गिवन है 180 सेंटीमीटर, और समबाहु त्रिभुज का जो साइड होता है बच्चों तीनों क्या होता है, बराबर होता है, तो मान लेते हैं साइड क्या, ए है, ए है और ए है। परिमाप का फॉर्मूला ध्यान रखना बच्चों, आउटर बाउंड्री को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ए ए प्लस ए,
ध्यान रखना बच्चों, जब भी पेरीमीटर बोलेगा या परिमाप बोलेगा तो आउटर बाउंड्री को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो तीनों को ऐड कर देंगे, जो रिजल्ट गिवेन है परिमाप का कितना गिवेन है 180, और ए कितना बार है बच्चों, तीन बार, एक दो तीन, तो आप लिख दें 3 है, यहाँ से ए निकल जाएगा। ए क्या बच्चों, समबाहु त्रिभुज का क्या है, साइड है। तो 180 अपॉन क्या हो जाएगा 3, जब कटिंग करेंगे तो क्या जाएगा 60, और सेंटीमीटर है तो क्या जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, समबाहु त्रिभुज बना देंगे और इसमें जो साइड गिवन है जो निकाल दिए कितना 60 60 60, तो 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ए भी क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, और ए भी क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। पहला जो साइड होता है बच्चों उसको ए मानते हैं, दूसरा जो साइड होता है उसको बी मानते हैं, जो तीसरा जो साइड होता है वह सी मानते हैं। उसके बाद ए से निकालते हैं, ए को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए कितना बच्चों 60 है, बी भी कितना 60 है, और सी भी कितना 60 अपॉन, नीचे क्या है फॉर्मूला में 2 होता है तो 2 कर देंगे। जब तीनों को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 180, और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा जो 90 आ जाएगा। एस का जो रिजल्ट आगे कितना आ गया 90 आ गया, तो यहाँ एस इक्वल में लिख देंगे, एस का जो रिजल्ट आगे कितना आ गया 90 आ गया। अब उसके बाद अप्लाई करेंगे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इंग्लिश में बोलेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल। फॉर्मूला ध्यान रखना बच्चों, हीरोन्स फार्मूला का जो फॉर्मूला होता है रूट अंडर एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का जो रिजल्ट हम लोग निकाले हैं बच्चों कितना निकाले हैं 90, तो यहाँ यूज करेंगे 90 ब्रैकेट 90 माइनस ए कितना 60, और 90 माइनस बी कितना बच्चों 60 है, और सी भी कितना 60 है, तो 90 माइनस 60 कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 90, जब 90 में से 60 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 30, जब ब्रैकेट हटता है तो मल्टीप्लाई कैसा है तो 30, जब इसको माइनस करेंगे तो भी क्या जाएगा 30, जब इसको माइनस करेंगे तो भी क्या जाएगा बच्चों 30। उसके बाद क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, तो यहाँ 30 का क्या बन गया, पेयर बन गया, इसको बाहर निकाल देंगे। ध्यान रखना बच्चों, पेयर किसी भी नंबर का हो सकता है, नंबर छोटा हो या बड़ा हो। अब इस 90 को ब्रेक कर सकते हैं 3 × 30, 30 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 90, क्योंकि अब यहाँ पे एक 30 बचा हुआ है, तो 30 को क्या कर देंगे, लिख देंगे। उसका फिर से बन गया बच्चों 30 का पेयर, तो 30 एक बाहर से फिर से 30 का पेयर बन गया, 30 क्या बच गया बच्चों रूट में, रूट 3 बच गया। 30 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900, और रूट में जो 3 है रूट 3 को लिख देंगे, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यही क्या होगा बच्चों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, जिसका क्या है साइड क्या है 60 सेंटीमीटर है, तो इसका आंसर आ गया 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का बच्चों फार्मूला के भी हेल्प से कर सकते हैं, अभी फार्मूला के हेल्प से बताते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम थोड़ा देर पहले निकाले थे, जो नोट करके लिखवाए थे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला लिखवाया था √3/4 × भुजा का स्क्वायर, इंग्लिश में बोलेंगे √3/4 × भुजा की जगह पर क्या लिखेंगे, साइड लिखेंगे। और इस क्वेश्चन में बच्चों भुजा जो निकाले कितना 60 सेंटीमीटर, कितना निकाले 60 सेंटीमीटर, तो जस्ट यहाँ पे क्या करेंगे 60 को रख दें, तो √3/4 × स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, तो 60 × क्या जगह 60, जब 4 से कटिंग करेंगे तो कितने पर कट जाएगा 15 पे, और जब 15 को 60 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 900, और रूट में 3 है तो √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसी भी तरीके से करेंगे आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूले, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में उसे जरूर लिखे। थैंक यू।